ये तस्वीरें हैं तुर्की और ग्रीस के सीमा क्षेत्रों की, जहां दोनों तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। दरअसल ग्रीस में घुसने की कोशिश कर रहे लगभग 10,000 से ज्यादा शरणार्थियों पर ये आंसू गैस के गोले दागे गए, जब ये शरणार्थी तुर्की की सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि तुर्की ने 28 फरवरी को कहा था कि अब वो शरणार्थियों को अपने क्षेत्र में नहीं रखेगा। तुर्की ने अपने यहाँ शरणार्थियों को न आने देने का फैसला अपने जवानों पर सीरिया के हमले के बाद किया था। तब से ही शरणार्थी दोनों ही सीमाओं के बीच फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रीस के द्वीपों पर हजारों की संख्या में वो शरणार्थी मौजूद हैं, जो सीरिया समेत दूसरे देशों से भागकर यहां आए हैं।